हेलो दोस्तों, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे सारे श्रमिकों का ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। अभी तक 15 करोड़ से भी ज्यादा श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पे करा लिया है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्या एक स्टूडेंट का ई श्रम कार्ड बन सकता है, अगर स्टूडेंट एलिजिबल है तो उसका क्या क्राइटेरिया रखा गया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन से स्टूडेंट्स ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट ई श्रम कार्ड बना लिया है तो उसको फ्यूचर में किस टाइप के प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, क्या नुकसान होगा एक स्टूडेंट को, आज के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे दोस्तों कि अगर कोई स्टूडेंट ई श्रम कार्ड बनाना चाहता है तो उसे बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, अगर बनाना चाहिए तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। इसलिए वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे मैंने इतना ज्यादा इनकम जनरेट किया है, फ्री में आप भी कर सकते हैं, तो वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन नीचे दे देता हूं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्या एक स्टूडेंट ई श्रम कार्ड बना सकता है या फिर नहीं बना सकता है। आप सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों कि असंगठित क्षेत्र में जितने भी सारे श्रमिक काम करते हैं उनके लिए ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है केंद्रीय सरकार द्वारा। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें कि बताया गया कि किन किन लोगों को ई श्रम कार्ड बनाना चाहिए, कौन कौन से काम असंगठित क्षेत्र में आते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ स्टडी करना, पढ़ाई करना एक काम नहीं होता है। गवर्नमेंट के मुताबिक दोस्तों अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप स्टडी करते हैं तो वो काम नहीं कहलाता है, वो असंगठित क्षेत्र में काम नहीं कहलाता है। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि सिर्फ स्टूडेंट के बेसिस पे आप ई श्रम कार्ड का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ई श्रम कार्ड नहीं बना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि सारे स्टूडेंट्स ई श्रम कार्ड नहीं बना सकते हैं। ऐसा भी आपको सोचना नहीं है कि सब स्टूडेंट जो है वो ई श्रम कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं दोस्तों जो कि कोई ना कोई काम करते हैं, कहीं पे अपना काम करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर कहीं पे जाके काम करते हैं। कोई कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, कोई डाटा एंट्री करता है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई कहीं पे मोबाइल का शॉप ओपन करके रखता है। तो अगर आप कोई भी टाइप के काम करते हैं, साथ में आप स्टडी भी करते हैं, स्टूडेंट भी हैं आप, तो आप ई श्रम के लिए एलिजिबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ई श्रम कार्ड बनाने में। सरकार की तरफ से एक लिस्ट जारी किया गया है दोस्तों, वहां पे बताया गया है कि कौन कौन से काम जो है वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं फिर भी वो आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, और अगर आप कहीं पे जाके कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं, कोई साइबर कैफे आपका या फिर सीएससी चलाते हैं आप, साथ में स्टडी भी करते हैं, किसी भी टाइप का काम आप करते हैं साथ में स्टडी भी करते हैं, अपना दिनचर्या चलाने के लिए कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कहीं कॉल सेंटर में काम करते हैं या फिर आप कस्टमर केयर के जैसे काम करते हैं, तो किसी भी टाइप का अगर आप काम करते हैं साथ में आप स्टडी भी करते हैं, उस कंडीशन में आप ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। दोस्तों एक नया लिस्ट जारी किया गया जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। स्क्रीन पे भी मैं दिखा देता हूं, बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। ये ऑप्शन के साथ आप अपने लिए ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। एनसीओ कोड यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। ये जो बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे आपको चेक करना कि आपके रिलेटिव कौन से, यहाँ पे आपके जो आपका जो ऑक्यूपेशन है दोस्तों उसके मुताबिक यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, उस ऑप्शन के साथ आपको चले जाना और अपना ई श्रम कार्ड बना लेना है। अब जो अगला सवाल आता है दोस्तों कि एक स्टूडेंट ने ई श्रम कार्ड बना लिया तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, कहीं फ्यूचर में उसको कोई प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका भी आंसर दे देता हूं दोस्तों। अगर मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हैं और आप ई श्रम कार्ड बना लेते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि कहीं मेरा स्कॉलरशिप ना रुक जाए, कहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब ना मिले, या फिर बहुत सारे ऐसे डाउट आते हैं जो एक स्टूडेंट हमसे करते हैं कमेंट के माध्यम से दोस्तों, वहीं से मुझे ये सवाल पता चला है। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ई श्रम कार्ड अगर बनाते हैं तो स्टूडेंट के बेसिस पे तो बना ही नहीं सकते, साथ में अगर कोई काम करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। और ई श्रम कार्ड बना लेते हैं अभी अगर आप, तो वो करंट सिचुएशन के आधार पर ई श्रम कार्ड बनाया जाता है, फ्यूचर के हिसाब से ये नहीं बनाया जाता दोस्तों। फ्यूचर में मान लेते हैं आपका कहीं पे गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो उससे कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट सिचुएशन में आपने ई श्रम कार्ड बनाया है। फ्यूचर में अगर आप मुकेश अंबानी भी बन जाते हैं फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, चाहे किसी भी टाइप का गवर्नमेंट जॉब लेते हैं फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सर्विसेज जोड़े जाएंगे श्रम कार्ड के माध्यम से। बाद में इसे डिलीट करने का भी, डीएक्टिवेट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। मान लेते हैं किसी ने गलती से बना लिया है, उसका एलिजिबिलिटी नहीं है, उसे भी डीएक्टिवेट करने का जल्दी यहां पे फैसिलिटी लाया जा सकता है केंद्रीय सरकार द्वारा, तो ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी अगर आप स्टूडेंट हैं, श्रम कार्ड बना लिया दोस्तों, तो करंट जो सिचुएशन है आपका उसके मुताबिक श्रम कार्ड बनता है, तो आपको घबराना नहीं है कि फ्यूचर में मेरा कुछ बेनिफिट रुक जाएगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा या फिर स्कॉलरशिप मेरा रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा श्रम कार्ड बनाने से अभी फिलहाल।
तो दोस्तों यहां से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक स्टूडेंट अगर ई श्रम कार्ड बनाना चाहता है तो क्या बनेगा या फिर नहीं बनेगा, डिटेल में मैंने बता दिया। साथ में मैंने बता दिया दोस्तों कि अगर आप स्टूडेंट हैं और ई श्रम कार्ड बना लेते हैं तो फ्यूचर में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगा, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को डिटेल बता दिया दोस्तों। आई होप आज का ये इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स को पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा दोस्तों। रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए फिर से आपको ध्यान देना है कि वीडियो को लाइक किए हैं या फिर नहीं किए हैं और साथ में चैनल सब्सक्राइब हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।